आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक्स मींस मूविंग चार्ज ऑफ पार्टिकल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ये इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टर को हम रखते हैं तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, उस मैग्नेटिक फोर्स की बात हम लोग करेंगे, फाइंड करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिगर की। ये ध्यान से समझिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कैरिंग कंडक्टर को इसमें ले गए हैं। ये कैरिंग कंडक्टर है, इस कैरिंग कंडक्टर को हम ले गए हैं जिसमें आई करेंट फ्लो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं कि कंडक्टर है। जैसे इस कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो अपर मींस वाई एक्सिस में एफएम प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। हम स्मॉल लेंथ डीएल की बात करते हैं। सबसे पहले छोटे लेंथ की बात करते हैं, छोटे लेंथ में कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसके बाद हम पूरे लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। जिस तरह से हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें एक चावल को टेस्ट करते हैं कि पका है कि नहीं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इस कंडक्टर का स्मॉल लेंथ की बात करते हैं और उस स्मॉल लेंथ में कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, उस मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के बाद टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर की बात हम लोग करते हैं। सपोज दैट कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल कैरिंग अ करेंट आई प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ये जो है वो कंडक्टर है जिसका लेंथ स्मॉल एल है और इस स्मॉल एल लेंथ के कंडक्टर में आई करेंट फ्लो हो रहा है, और जब आई करंट फ्लो हो रहा है तो उस कैरिंग कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्मॉल लेंथ डीएल की बात करेंगे। लेट स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सपोज दैट ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पर यूनिट वॉल्यूम मींस इसका जो लेंथ और एरिया है, उस लेंथ और एरिया के मल्टीपल में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल एन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये सपोज दैट कंडक्टर है तो इसका ये पार्ट जो है वो एरिया है, तो हम लेट कर लेते हैं। Since we know that magnetic force acting on an electron, ये हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। What is the magnetic force on an electron? Means एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये हम लोग पढ़े हैं एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे एक फॉर्मूला हमने बताया था, एफ एम वेक्टर मीन्स मैग्नेटिक फोर्स, एफ जो है ये स्मॉल है क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट लेंथ डीएल ऑफ द गिवन कंडक्टर। तो ये तो स्मॉल मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स था। अब बात करते हैं ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ की बात ना करके स्मॉल लेंथ की बात करेंगे। स्मॉल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, लेट डीएल बी द स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और जब स्मॉल लेंथ होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे स्मॉल होंगे, तो
तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट एन इंटू एक यूनिट एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंटू ए डी एल कर लेते हैं। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डीएल जो है ये स्मॉल लेंथ है। डीएल जो है यहां से यहां की लेंथ की बात कर रहे हैं हम। यहां से यहां की मैग्नेटिक फोर्स एक बार निकालेंगे, एक बार पूरे लेंथ की मैग्नेटिक फोर्स निकालें। तो यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट ए इज इक्वल टू एन इंटू ए डी एल कर लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। अब चूंकि स्मॉल डी एल है, लेंथ स्मॉल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी स्मॉल होंगे। मैग्नेटिक फोर्स कब बड़ा होगा, जब लेंथ बड़ा होगा। तो यहाँ पे स्मॉल डी एल है इसलिए हम यहाँ पर सो डी एफ एम वेक्टर मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ई के जगह पर हम क्या करते हैं, ये एन ए डी एल इंटू एफ एम वेक्टर कर लेते हैं। एन ए डी एल का मतलब अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसकी बात करेंगे और एफ एम वेक्टर, और एफ एम वेक्टर का फ्रॉम इक्वेशन वन का वैल्यू जो है माइनस ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैल्यू पुट करते हैं या आप देख सकते हैं माइनस ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एन ई ए और ये आपका डी एल ये कर लेते हैं डी एल, और ये माइनस एन ई ए डी एल इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और आप जानते हैं सिंस q इज इक्वल टू यहां पर डी क्यू कर लेते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू एन ई ए डी एल कर लेते हैं, एन ई ए डी एल कर लेते हैं, और ये आप माइनस एन ई ए डी एल चूंकि ये टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई ए डी एल कर लेते हैं और एंड लिख सकते हैं इसको भी वेक्टर, ये भी डी वेक्टर इज इक्वल टू आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी डी जो है वो आपका वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये आप कर सकते हैं डी क्यू, ये डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई ए डी एल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम मींस हम लिख सकते हैं डी एल बाय डी टी। ध्यान से समझिएगा, ये डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई ए डी एल एंड वीडी वेक्टर इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। वैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। और इसको इक्वेशन अगर टू कर लेते हैं तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू हम लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं डी एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू इसके जगह पर डी क्यू, और ये लिख सकते हैं वी डी के जगह पर डी एल बाय डी टी इंटू और बी वेक्टर ये कर लेते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं और करके डी एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं ये डी एल डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू ये लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी और इंटू ये डी एल और इंटू बी वेक्टर। हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये डी क्यू बाई डी टी कर दिए इंटू डी एल कर लिए हैं, डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल। और आप जानते हैं सिंस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या डी क्यू बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से आप समझिएगा
हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक फॉर्मूला डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, लिखेंगे डी एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के जगह पर हम आई और इनटू डीएल इनटू बी वेक्टर कर लेते हैं। ये तो जो डी एफ एम वेक्टर है मीन्स मैग्नेटिक फॉर अ स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करते हैं। सपोज है टोटल लेंथ जो है कंडक्टर हम लिख सकते हैं सिंस कंडक्टर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वो जो बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फोर्स हम लिख सकते हैं ये एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ एम वेक्टर। और हम करते क्या हैं, डी एफ एम वेक्टर के जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन डी एफ एम के जगह पर आई इंटू डी एल इंटू बी वेक्टर। और हम करेंगे क्या, चूंकि टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ टोटल हो जाएगा एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, और हम करेंगे क्या, आई जो है कांस्टेंट है हम लिख सकते हैं आई और इनटू बी वेक्टर और इंटीग्रेशन डी एल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये इंटीग्रेशन डी एल और इनटू बी वेक्टर कर सकते हैं। और आप जानते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू एल तो आप यहां पर लिख सकते हैं एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इनटू, ये लिख सकते हैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। या फिर यदि आप इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा और स्पेशल केस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री देन साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका 0। सो एफ एम इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स होते हैं अगर उसको कैरिंग कंडक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री ये हमें बताता है कि इफ वी कैप्ट अ कैरिंग करंट कंडक्टर टू द पैरेलल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। सो एफ एम इज इक्वल टू 0। और यही सेकेंड केस की बात करते हैं सपोज दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। सो एफ एम इज इक्वल टू बी आई एल की आप याद रखे रहिएगा ये कैपिटल एल हम कर लेते हैं यहां पर एल कर लेते हैं क्योंकि टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं तो टोटल लेंथ हमारा कैपिटल एल हो जाएगा या स्मॉल एल भी लिख सकते हैं या फिर सुविधा के अनुसार ये आप कर सकते हैं एफ
M is equal to B I L when a carrying current conductor is kept in a magnetic field perpendicular. जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर किसी भी कैरिंग करंट कंडक्टर को ले जाते हैं तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं. तो मैक्सिमम के लिए याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एफएम इज इक्वल टू बी आई एल. तो इस तरह से ये हमारा थ्योरी था बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब इस पे एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल, आप लोग भी इसे बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है. हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है तो उसको बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ऑफ माइंड परफेक्ट. तो ये क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे, ध्यान से आप समझिएगा. अ वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरिंग अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Uniform magnetic field if a force of 0.8 newton acts on it calculate the value of the magnetic induction ध्यान से आप समझिएगा, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है बहुत ही इजी होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यदि आप चलते हैं तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते क्या है कि जो वैल्यू दिया है उसको पहले नोट करते हैं. तो उसको नोट करने से पहले ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरिंग अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ अ फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन. तो यहाँ पे लेंथ जो है ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 12 × 10⁻²² मीटर कर लेते हैं. और आप जानते हैं ये आई जो है वो दिया हुआ है 2 एम्पियर और एफ जो दिया है इफ अ फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन दिया हुआ है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स बी का वैल्यू पूछ रहा है. तो आप जानते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू और दिया है क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर लेते हैं. और आप यहां से बनाइए सिंस आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. आप जानते हैं फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं. आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ कैपिटल एल लिखे हैं, तो आप कैपिटल एल लिखिए या स्मॉल एल लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हम ले लेते हैं स्मॉल एल
और यदि B निकाला है सो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F बाई बी आई और सॉरी B तो हमें निकालना है तो बचेगा I L और साइन थीटा कर लेते हैं और हम इसका वैल्यू पुट करते हैं F के जगह पर 0.8 कर लेते हैं I के जगह पर 2 और इनटू L के जगह पर 2L इनटू 10^-2 कर लेते हैं और साइन 90 का वैल्यू चूंकि साइन 90 वैल्यू दिया है तो साइन 90 का वैल्यू 1 कर लेते हैं तो 3.33 ये आपका हो जाएगा टेस्ला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बन गया है, ये सबसे बहुत आसान न्यूमेरिकल था। आप भी इसको कोशिश करिएगा बनाने के लिए और बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी जो चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जैसे ही मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडीशन में उस पर उसका रेडियस कितना होगा, टाइम ऑफ पीरियड कितना होगा और आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जाइरो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सब टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसकी बात हम लोग करेंगे। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं मैग्नेटिक फोर्स में हमने बताया था कि जब भी किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो किस तरह से फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, तो उसी पर ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। सपोज दैट ये जो है लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड के इस तरह से इसको हम पकड़ते हैं, ये आप उंगली देख सकते हैं, ये थंब है, ये मिडिल फिंगर, ये फोरे फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, फोरे फिंगर और इस थंब को इस तरह से हम पकड़ते हैं कि तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो मिडिल फिंगर होते हैं ये करेंट के डायरेक्शन को शो करते हैं और ये जो आपका फोरे फिंगर है वो फील्ड को डिनोट करते हैं और जो थंब है वो फोर्स को डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो इसी को डिटेल में हमने लिखा है कि स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, इसको हम क्या किए हैं स्ट्रेच किए, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट फोरे फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स लेफ्ट हैंड को इस तरह से हम लोग स्ट्रेच करते हैं कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर फिंगर है इसको बोलते हैं फोर फिंगर, ये जो है फोर फिंगर है, इस फोर फिंगर को हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर का डायरेक्शन है एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर, इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर क्योंकि बीच का उंगली है इसलिए इसको सेंट्रल फिंगर बोलते हैं, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ये आप देख सकते हैं ये जो है डायरेक्शन ऑफ द करेंट में है और ये जो थंब है थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ये जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इस तरह से शो करता है। तो इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है, अपना लेफ्ट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड को इस तरह से हम लोग कैप्ट करते हैं कि ये जो है फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब तो मीन्स दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करेंट ऑफ द कंडक्टर एंड थंब रिप्रेजेंट द फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन केस मिलेंगे। सबसे पहला केस की बात करते हैं कि व्हेन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स
इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मींस जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर वो मोशन में होता है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा. तो आप जानते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए जो एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और एंटी पैरेलल के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. और आप जानते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू बी आई एल और साइन थीटा जानते हैं और साइन थीटा के जगह पर अगर 0 रखते हैं तो एफ इज इक्वल टू 0 मिलेगा और 180 डिग्री रखते हैं तो एफ इज इक्वल टू 0 मिलेगा. मीन्स बोथ कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका 0 हो जाएगा. तो ये फर्स्ट केस की बात किए हैं कि मीन्स व्हेन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस याद रखे रहिएगा, सेकेंड केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड केस की बात करते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम. तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं मैक्सिमम हो जाते हैं. और हमें निकालना क्या है कि इस चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है वो रेडियस क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे. वैसे सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये बी फैक्टर. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, ये जैसे ही इंटर करता है तो ये भी वेलोसिटी से ये मूव करने लगता है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो ये आप देख सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल क्यू है और भी वेक्टर भी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और इसमें एक फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक लॉरेंस फोर्स लग रहा है सेंटर, मीन्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ. आप देख सकते हैं एफ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ है, और एक जो दूसरा फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है. तो इसके हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स और टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको जायरो फ्रीक्वेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जायरो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि When charged particles moves at right angle to the magnetic field, जैसे ही चार्ज पार्टिकल ये मूव्स करता है और किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू मीन्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल और साइन थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं. सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री करते हैं. और जैसे आप जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं सो एफ इज इक्वल टू बी आई एल. ये आपका हो गया इक्वेशन 1 कर लेते हैं. मीन्स वे चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर देन मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल. सपोज स्मॉल एम बी द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर. ये जो स्फेयर है इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं पाथ, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स
required by circular path is mv square by small r. ये mv square by r जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. ये आप देख रहे हैं कि स्मॉल m मास का जो कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पे तो उसपे जो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा mv स्क्वायर बाय स्मॉल r हो जाएगा. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स. सो वी कैन राइट दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स. सो वी कैन राइट एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के जगह पर हम बी आई एल लिख सकते हैं. अगर हमें स्मॉल r के r का वैल्यू लिखना हो तो हम स्मॉल r के जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू यहां पर कर लेते हैं बी क्यू वी साइन थीटा. यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है बी आई एल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्यू भी बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू भी बी साइन थीटा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा. क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्यू है और इसका वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड बी है. सो हम लिख सकते हैं क्यू भी बी. तो हम लिख सकते हैं यहां पर एफ की जगह पर मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू क्यू भी और हम आर इज इक्वल टू अगर हमें लिखना हो तो आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय क्यू भी बी. ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. ये चार्ज पार्टिकल्स का ये रेडियस है. अगर हमें निकालना हो सपोज दैट टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो टाइम पीरियड आप जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर सकते हैं. टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते हैं. यदि हमें निकालना हो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2πr बाय भी कर सकते हैं. और सिंस यहां पे आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू और डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है तो यहां पर हम डिस्टेंस ये चूंकि इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है तो टोटल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किट 2πr बाय भी और आप जानते हैं 2πr बाई भी और इंटू आर के जगह पर हम वेल्यू पुट करेंगे एम भी बाई क्यू बी और यहां पे सिंस लिख देते हैं आर इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी. ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल 2πm एम और बाई क्यू बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ये तो फॉर्मूला हो गया आपका टाइम पीरियड का. यदि बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स
frequency of the charged particles. Small f is equal to 1 by t होता है. 1 by t के जगह पर हम लिखते हैं 2 pi small m और by q भी करते हैं. So of is equal to means frequency is equal to qv by 2 pi small m. This is the formula of the charged particles of frequency means frequency of the charged particles. अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की. बात करते हैं व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग जायरो फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग जायरो फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं. तो आप ध्यान से समझिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है. तो 2 पाई और एफ के जगह पर यदि हम क्यू बी और बाय 2 पाई एम करते हैं तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी बाय हम स्मॉल एम कर लेते हैं. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जायरो फ्रीक्वेंसी. जायरो जी वाई आर ओ जायरो फ्रीक्वेंसी. दिस इज कॉल्ड द जायरो फ्रीक्वेंसी आइदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग थर्ड केस की बात करने जा रहे हैं. क्योंकि फर्स्ट सेकंड केस तो हम लोग पढ़ लिए हैं. अब हम लोग चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग थर्ड केस की बात करने जा रहे हैं. थर्ड केस जो है हम लोग लिखेंगे when the charged particles moved an angle. Case number third, when the charged particle moves at an angle other 0 degree 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. मींस यदि कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री से अदर एंगल का फॉर्मेशन करे तो उस कंडीशन में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होगा. चार्ज पार्टिकल मींस टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसकी बात करते हैं. तो ध्यान से समझिएगा ये आपको फिगर हम बना रहे हैं. ये आपका जेड एक्सिस वाई एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जो है वो आपका वी वेक्टर. ये वी साइन थीटा है वाई एक्सिस को डिनोट करता है और ये वी साइन थीटा है सॉरी वी कॉस थीटा हम इसको लिखते हैं और ये जो है कॉस को डिनोट करता है. ये जो ये फ्रीक्वेंसी होता है इसका जो और सर्कल बनता है इस तरह से बनेगा. इसको ध्यान से समझिएगा. अब इसको हम करते क्या है इस तरह से कर लेते हैं. ये जो है इस तरह से कर लेते हैं. इसको इस तरह से कर लेते हैं. इसको इस तरह से कर लेते हैं. इसको इस तरह से कर लेते हैं और ये जो है ये आपका ऐसे बनता है. तो ये थीटा है और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है इस तरह से तो इसका एंगल का फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है. तो हम भी हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे एम भी साइन थीटा का हम लोग जानते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कर लेते हैं और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल इज इक्वल टू हम क्यू वी बी क्यू वी बी साइन थीटा की बात करते हैं. क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पे थीटा ही रखते हैं. और सिंस वी इज इक्वल टू आपका वी साइन थीटा है क्यों क्योंकि ये जो है वाई एक्सिस में ये जा रहा है ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है तो
हम भी साइन थीटा लिखते हैं, तो भी की जगह पर हम लिखेंगे एम भी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। और हम अगर आर निकालना चाहेंगे तो ये हम लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाय हम लिख सकते हैं क्यू भी बी साइन थीटा। तो आप यहां पे ध्यान से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक भी कैंसिल हो जाएगा, सो आर का वैल्यू जो होगा वो एम भी साइन थीटा और बाई में कर सकते हैं क्यू भी कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा पहले वाले से यहां साइन थीटा का जो वैल्यू है यहां साइन भी के साथ साइन थीटा आ गया था। और जब हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट अ राइट एंगल पे अगर मूव्स कराते हैं तो उस कंडीशन में साइन थीटा नहीं होता था। अगर हम एनी एंगल की बात करते हैं तो वहां पर साइन थीटा ऐड कर देते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड की बात करना हो तो हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के जगह पे 2 बाय स्मॉल आर और ये आर के जगह पर और वेलोसिटी हम लिख सकते हैं भी कॉस थीटा भी यहां पर साइन थीटा लिखते हैं। और आप देख रहे हैं कि 2 बाय स्मॉल आर आर के जगह पर हम क्या करते हैं ये भी साइन थीटा कर लेते हैं और आर के जगह पर हम एम भी साइन थीटा और बाई क्यू भी कर लेते हैं। तो ये आपका भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका भी। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम और बाई क्यू भी, इस तरह से आपका टाइम पीरियड हो जाता है। टाइम पीरियड जो है ये आपका 2 पाई एम बाई क्यू भी। यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी कर लेते हैं, 1 बाई टी के जगह पर हम 1 बाई हम इसको रखते हैं 2 पाई एम बाई क्यू भी। सो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू भी बाई 2 पाई स्मॉल एम। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट एनी एंगल। अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, उसी तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा जिस तरह से हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को मूव कर रहे थे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ की बात करते हैं, 2 पाई एफ के जगह पर हम क्यू बी बाई 2 पाई एम कर लेते हैं, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई स्मॉल एम। दिस इज द कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी था। अब हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है, क्योंकि जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उस थ्योरी पर अगर न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपके लिए वो थ्योरी बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी थ्योरी पढ़िए उस थ्योरी पर न्यूमेरिकल को सॉल्व जरूर करने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपका दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल का, देखते हैं न्यूमेरिकल है क्या। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड with a velocity of velocity of
10^5 meter per second at right angles to a magnetic field. To a magnetic field of 1.9 × 10⁻⁶ Tesla. Calculate the radius of circle described by the electron. ये न्यूमेरिकल आपका दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ केजी दिया हुआ है और पूछ रहा है व्हाट आर इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से आप समझिएगा, वैल्यू जो है बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू दिया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू 1.9 × 10⁻⁶ टेस्ला दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन, मींस स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। और द रेडियस ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है एम ई आपका 9.1 × 10⁻³ केजी और करा व्हाट आर इट्स फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान से समझिएगा हम लोग, सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं एम वी बाय क्यू बी ये पढ़े हुए हैं, तो क्यू के जगह पर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम कर लेते हैं और एम के जगह पर, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ और इंटू वी के जगह पर वेलोसिटी दिया हुआ है 10⁵ यूज करते हैं और क्यू की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ और बी के जगह पर बी का वैल्यू रखते हैं 1.9 × 10⁻⁶। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट कर दिए, इसको कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आया है। वैसे आप सॉल्व करिएगा तो 0.299 मीटर आ जाएगा। और यदि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, सिंस फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालना होगा तो 2 पाई एफ की इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू निकालना होगा, तो हम लोग जानते हैं 2π/qB की बात कर लेते हैं, 2π/qB फ्रीक्वेंसी, चूंकि हम लोग 2π इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के जगह पर आप जानते हैं टाइम पीरियड, अगर आपको मालूम नहीं है तो R/V यदि हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, अगर टी के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो V/2r हो जाएगा। तो ध्यान से आप समझिएगा एफ इज इक्वल टू वी के जगह पर हम 10⁵ / 2 × 3.14 और
पाई के जगह पर 3.14 और आर के जगह पर आर का वैल्यू हम निकाले हैं 0.2999। इसको कैलकुलेशन करिएगा 5.32 × 10⁴ हर्ट्स आएंगे। ये 5.32 × 10⁴ हर्ट्स आएंगे, ये आप कैलकुलेशन करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब पूछ रहा है कि एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंस एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² और 1/2 m के जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ और इंटू वी के जगह पर हम 10⁵ का होल स्क्वायर करते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा आपका आएगा 4.54 शायद आना चाहिए 4.55 × 10⁻²⁰ जूल। इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। फिर से एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल हम लोग किए क्या है। न्यूमेरिकल को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिया क्या है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.9 × 10⁻⁶ टेस्ला। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ केजी। व्हाट आर इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, हम जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, नोट कर लिए हैं। और राइट एंगल दिया है मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको नोट कर लिए हैं। और आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 1.9 × 10⁻⁶ टेस्ला दिया है, लिख लिए। पूछ रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स आर इज इक्वल टू वाट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है एम इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ केजी। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वाट। ई का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वाट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर का फॉर्मूला आप जानते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, इससे पहले हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं आर इज इक्वल टू mv/qv m मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर लिख लेते हैं वैल्यू 9.1 × 10⁻³ इंटू वी के जगह पर वी का वैल्यू 10⁵ बाय क्यू के जगह पर चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ और इंटू बी के जगह पर बी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का 1.9 × 10⁻⁶ रखते हैं। इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 0.299 मीटर। ये आप कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका रेडियस 0.299 मीटर आया है कि नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जानते हैं 1/टाइम पीरियड। सपोज दैट यू डोंट हैव रिमेम्बर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v कर लेते हैं मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल बाय वेलोसिटी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का जो फॉर्मूला होता है 2πr और वेलोसिटी v कर लेते हैं। तो इसी को अगर हम यहां वैल्यू पुट करते हैं तो f इज इक्वल टू v/2πr हो जाता है। v के जगह पर वेलोसिटी का वैल्यू पुट करते हैं 10⁵ और 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 3.14 और r के जगह पर 0.299 मीटर यूज करते हैं। जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 5.32 × 10⁴ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। अब पूछा व्हाट इज इट्स एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv². तो 1/2 mv² की जगह पर 1/2 और m मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ इंटू वी के जगह पर 10⁵ का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4.55 × 10⁻²⁰ जो। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया इस थ्योरी पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि इस चैनल के लिए आप नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।